फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसा कि आपने देख लिया, मैं हूँ सिकंद कार प्राइवेट लिमिटेड लुधियाना में, जो बेसिकली फेमस है उसकी 4x4 मॉडिफिकेशन के लिए और जो फेमस अपनी थार के लिए, जो महिंद्रा थार है उसके लिए फेमस है। आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे भी इनके डेली अपडेट्स देखने के लिए। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ थार जो पूरी फुली मॉडिफाई करी गई है सिकंद कार ने। ये थार बिल्कुल बेसिक थी, अगर आप देख पा रहे हैं तो जैसे हम नॉर्मल थार देखते हैं बिल्कुल बेसिक थार आई थी इनके पास। तो इन्होंने पूरी मॉडिफिकेशन करी है, मैं आपको पूरी डिटेल दूंगा इन्होंने क्या क्या मॉडिफिकेशन दी है। तो आप एक बार इसका वॉकराउंड ले लीजिए, थोड़ा क्विक वॉकराउंड ले लिए, फिर आपको पूरी डिटेल में बताता हूँ। ले लीजिए। तो सबसे पहले आपको की दिखाना चाहूँगा, तो ये इसकी की है। तो इस कार में हमने कीलेस एंट्री का फीचर इंस्टॉल करा है, जो पुश बटन से कार स्टार्ट हो जाती है। ये आपने कभी देखा नहीं हुआ था कार थार में कि कार पुश बटन से भी स्टार्ट हो सकती है, पर सिकंद कार ने ये फीचर थार में इंस्टॉल करा है, वो आपको अंदर दिखाऊंगा। पहले हम फ्रंट से बात करेंगे इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशंस हुई हैं। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं इसमें ईगल ग्रिल, जिसे एंग्री ग्रिल भी कहा जाता है, इसमें वो इंस्टॉल करी गई पूरी। और जो लुक देखे आप ग्रिल की कितनी अच्छी आ रही है, और LED इसके जो मेन हेडलाइट है इसमें LED डाली गई है पूरी हाई एंड लो बीम में, इसका ओवरव्यू मैं आपको दिखा दूंगा। रिंग लाइट है पूरी, ये रिंग में आपको DRL जलेंगे। और यहाँ पे आपको थार की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी रेड कलर में, और टर्न इंडिकेटर की पोजीशन यहाँ पे करी गई है, और महिंद्रा का बैजिंग आपको देखने को मिल जाएगी, जो इन्होंने ऑफ रोड टाइप बम्पर इंस्टॉल करा है महिंद्रा में। और टोइंग की यहाँ पर लगा हुआ टोइंग, जिसे कार टो करते वो बम्पर में ही है, और बम्पर में आपको लाइट देखने को मिल जाएगी LEDs, जिसको हम फॉग लाइट भी कह सकते हैं। और अगर आप देख पा रहे हैं नंबर प्लेट तमिलनाडु से ही कार, तो अभी हम लुधियाना पंजाब में और ऑलमोस्ट एंड ऑफ द इंडिया में आता है तमिलनाडु, तो इतनी दूर से कार आई है कार तैयार होने के लिए स्पेशली। तो आप देख सकते हैं इनका काम कितना अच्छा है कि इतनी दूर से भी कार आ रही है। यहाँ पे भी आपको इंडिकेटर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी, एक बार हुड देख लीजिए आप, हुड पे भी ग्राफिक्स करे गए हैं, Route 09 की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी और महिंद्रा का लोगो। और यहाँ पे आपको साइड पे स्नॉर्कल देखने को मिल जाएगा जो कंप्लीट वर्किंग में है, ये डमी नहीं लगाया है, कंप्लीट वर्किंग में स्नॉर्कल है। और आपको बार लाइट भी देखने को मिल जाएगी, जिसका ओवरव्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और साइड में आपको यहाँ पे लैंप एडिशनल भी मिल जाएंगे एक्स्ट्रा लाइटनिंग के लिए। तो जैसा कि आपने देखा कितनी ज़्यादा अच्छी लाइटनिंग करी गई है सिकंद कार की तरफ से, और आप देख पा रहे होंगे टर्न इंडिकेटर भी कैसे चलते हैं। तो एक बार इसका ओवर भी दिखाता हूँ लाइट्स का, मैं ऑन करके आपको। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं पूरी फुली LED लाइट्स हैं, जिसमें आपको DRL मिलेंगे रिंग में, और मैं आपको हाई बीम भी दिखा देता हूँ। तो लाइट्स का भी आपने देख लिया कितना अच्छा रिस्पॉन्स, का रिस्पॉन्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है अगर हम नाइट की बात करें। तो हम साइड प्रोफाइल पे आते हैं, तो ऐसे कुछ इसकी साइड प्रोफाइल रखी गई है। तो कस्टमर के डिमांड के अकॉर्डिंग, कस्टमर की डिमांड थी हमें 2 सनरूफ चाहिए, तो सनरूफ के स्पेशलिस्ट भी है सिकंद कार, और इस कार में 2 सनरूफ इंस्टॉल हुए हैं, एक फ्रंट में एक रियर में, वो आपको मैं अंदर दिखाऊंगा। और साइड पे आपको थार की बैजिंग देखने को मिल जाएगी जो महिंद्रा करती है, और यस को ऑरवियम जिसकी इंडिकेटर भी इन्होंने यहाँ पे प्लेस कर दिए हैं बहुत नाइसली। और अगेन आपको Route 09 के ग्राफिक्स देखने को मिल जाएंगे, और हिमालयन मोटर स्पोर्ट्स के आपको ग्राफिक्स भी यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, और आपको साइड फेंडर भी देखने को मिल जाएगा जिसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। और जो व्हील है वो कस्टमर के हैं, ये इन्होंने नहीं डाले। और आपने इनके व्हील देखना चाहते हैं व्हील कैसे डालते हैं, तो हमारी पहले चैनल पे वीडियो बनाई है थार पे, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ कार की रियर प्रोफाइल रखी हुई है, ये इनके इनमें
कंपनी वाली नहीं है ये, आफ्टर मार्केट वाले हैं, स्कन कार की है। देखिए कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है। इसका ओवरव्यू मैं आपको अभी देता हूँ। तो टर्न इंडिकेटर ऐसे चलेंगे, मैं लाइट्स दिखाता हूँ जला के। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये इसकी पूरी लाइट्स हैं, ओवरव्यू आप देख सकते हैं। और ये एम पे जो लाइट्स हैं मैं उसका भी ओवरव्यू दिखाता हूँ आपको, अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो ओआर वी एम पे आपको लाइट्स देखने को मिल जाएंगी, और जो एज अ टर्न इंडिकेटर भी यूज होती हैं जो ऐसे फ्लैश करते हैं लेफ्ट टू राइट। तो वे हम पीछे आए थे वापस से, तो लाइट्स का ओवर भी आपने कंप्लीट ले लिया है। तो बाहर की बात तो हो गई पूरी, अब हम चलते हैं अंदर, इसका इंटीरियर देखते हैं। इसका इंटीरियर फुली चेंज करा है स्कंद कार ने, तो देखते हैं कैसा करा है। तो अब हम आ गए हैं कार के अंदर। एक बार मैं कहूँगा भी आप इधर से दिखाएं आके, तो आप इधर से दिखाएं। इधर से मैं इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ क्योंकि ये देखिए ऐसा लग नहीं रहा कि ये आफ्टर मार्केट इंस्टॉल करा गया है। एज अ कंपनी फिटेड जैसे आता है वैसे ही इंस्टॉल करा गया है इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, जो कंप्लीट वर्किंग में है। और पूरा इसका इंटीरियर जो चेंज करा गया है, जो लेदर की जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी रखी गई है। कैमल कलर कंपनी, कस्टमर की डिमांड था कि कैमल कलर में उसको इंटीरियर चाहिए। स्पीकर की प्लेसमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, और इसमें इंस्टॉल करिए इलेक्ट्रिक सीट्स, जो देखिए फुली वर्किंग है। चालू काम आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, प्रॉपर फिनिश वाला आपको काम मिलेगा। और इनका जो बहुत ज़्यादा ये जिसमें इनका हाथ साफ है उसे कहते हैं वुडन। इनका वुडन की क्वालिटी ऐसा टॉप नोच है ना, हर कार को ये टॉप मतलब प्रीमियम बनाती है इनके वुड की जो क्वालिटी है ना। देखिए एक बार पूरा ओवरव्यू ले लीजिए इंटीरियर का। तो उसमें जैसे मैंने आपको बताया एज पर कस्टमर डिमांड इसमें दो सनरूफ इंस्टॉल करवाए हैं, आप सनरूफ को भी देख सकते हैं, आपको मैं आगे दिखाऊंगा वीडियो में खोल के भी। तो चलते हैं कार के अंदर। तो पहले आप डोर देख लीजिए, यहाँ पे आपको बड़ी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे हैंडल, तो पहले मैं बैठ जाता हूँ कार के अंदर। और कार की हाइट बहुत ज़्यादा अच्छी है, उन्होंने जाने के लिए यहाँ पे फुट रेस्ट भी लगाया है, ऐसे चढ़ के आप बैठ सकते हैं इजीली। अब मैं आ गया हूँ कार के अंदर। जो इसका जो इंटीरियर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, कैमल कलर का, और ये पूरा टच स्क्रीन सिस्टम लगाया है जो बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैं कार को ऑन करके दिखा देता हूँ। तो देखिए कार को ऑन कर दिया मैंने, ये इसका पूरा सिस्टम है। देखिए इसमें आपको सब कुछ मिलता है, कंप्लीट सेटअप है कि ये एक फ़ोन का आपको लगिंग आ गई कुछ लाए थे फ़ोन की तरह वर्क कर रहा है पूरा, और जिसकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी। देखिए इतना सॉफ्ट चल रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। और ये आपको एसी वेंट्स देखने को मिल जाएंगे जो सेंटर के हैं। हज़ार लाइट का बटन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और अगर हम नीचे की साइड आएँ तो नीचे की साइड आपको गेयर नॉब देखने को मिल जाएगा, और वो आप छोटा वाला देख रहे हैं वो ऑफ रोडिंग के लिए। नीचे डुअल कप होल्डर्स देखने को मिल जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल जाएगी नीचे। और चार्जर भी देखने को मिल जाएगा, पावर इंडर के कंट्रोल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, जो विंडो पे नहीं करेंगे हैं तो यहाँ पे करेंगे, काफ़ी अच्छी बात है। और हैंड ब्रेक डुअल आपको कप होल्डर्स देखने को मिल जाएंगे, और यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल देखने को मिल जाएगा जो पूरा वुडन फिनिश में रखा गया है। क्वालिटी वुड की जो यूज़ करिए वो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम बना रखी है कार की, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम हो गया उससे कार। और डैशबोर्ड आपको डिसेंट साइज़ मिलेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं मिलता। और पर ओवरव्यू देखें तो ओवरव्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिल रहा है हमें, पूरा बोनट टू बोनट हमें दिख रहा है। और इसका रियर व्यू मिरर जो मैनुअल में रखा ऑटोमेटिक में रखा गया है, तो आपको रेड ब्लैक वाला व्यू नहीं मिलता। और ये इसके जो आपको कहते हैं वैनिटी कह देते हैं, इसे बोथ साइड की वैनिटी है, ये विदाउट मिरर है। और ये इसका सनरूफ, एक बार इसमें बंद कर देता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ दोबारा। ये कंप्लीट वर्किंग है, वाटर प्रूफ है, कोई आपको कंप्लेंट नहीं देखने को मिल जाएगी। तो अभी ये बंदा मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। तो देखिए तो ये हो गया फ्रंट का, और अब मैं रियर का भी दिखाता हूँ। रियर का हमने भी ओपन करके रखा हुआ था, तो पहले आपको बंद करके दिखाता हूँ कि ये कंप्लीट वर्किंग में है। ये देखिए तो दो आपको सनरूफ देखने को मिल जाएंगे। एज पर योर डिमांड आप सिंगल सनरूफ भी लगवा सकते हैं, डुअल भी लगवा सकते हैं, अगर आप मून रूफ चाहते हैं मून रूफ भी लगवा सकते हैं। जल्द आपके लिए एक नवी वीडियो लेके आएंगे जिसका कंसेप्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है, जिसमें आपको
पैनोरामिक सनरूफ मिलेगा। बहुत ज़्यादा इनका कंसेप्ट अभी तैयार हो रहा है, मैं आपको दिखाऊंगा आने वाली वीडियो में। और इसमें कंप्लीट फ्लोरिंग करी गई है, जिसमें इंस्टॉल करा है 70 मैट्स, और ग्लव बॉक्स मिल जाएगा डिसेंट साइज का। और रियर की अगर मैं दिखाना चाहूँगा, रियर में भी सेम इंटीरियर ही रखा गया है कैमल कलर का। पूरी कार में ऊपर से छत से लेकर साइड डोर तक सब में ए सिंगल टोन कैमल कलर का इंटीरियर रखा गया एज़ पर कस्टमर डिमांड। और कुशनिंग कार की बहुत ज़्यादा अच्छी रखी गई है। बीच में आपको अमरेस्ट भी देखने को मिल जाएगी, जिसमें आपको डुअल कप होल्डर्स देखने को मिल जाएंगे। तो चलते हैं बाहर, लाइट्स कवर में मैंने आपको दिखा दिया है। तो ये थी आज की पूरी मॉडिफिकेशन वीडियो। अब मैं आपको मिलता हूँ सिकंद कार के ऑनर से। तो मेरे साथ है जसप्रीत सिकंद। तो ये इनका न्यू शोरूम तैयार हो रहा है। तो सर आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन आपके न्यू शोरूम के लिए। थैंक यू। तो सर हमें आने वाले व्यूअर्स आने वाले दिनों में क्या क्या कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा? सर काफ़ी कॉन्सेप्ट के ऊपर हमारी वर्किंग चल रही है, काफ़ी टाइम से पेंडिंग थे। तो नए कॉन्सेप्ट हम 3-4 नए कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं, जिनमें थार के लिए भी लेके आ रहे हैं और बाकी गाड़ियों के लिए भी लेके आ रहे हैं, सेडान्स के लिए भी लेके आ रहे हैं। तो सर मैंने व्यूअर्स को एक आइडिया दिया है कि हमने थार में पैनोरामिक सनरूफ आ रहा है, तो कितनी जल्दी देखने को मिलेगा हमें? सर डाउन द लाइन 2 मंथ्स। 2 मंथ्स तक आपको रुकना पड़ेगा। तो पैनोरामिक सर इंस्टॉल करें पैनोरामिक सनरूफ कार में। तो कॉस्टिंग की बात करूं तो नियर अबाउट एक आइडिया देता रफ, तो वैसे मॉडिफिकेशन 2 लाख से शुरू हो जाती है, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। रफ आइडिया देता हूँ 4-5 लाख कॉस्ट आएगी अगर आपको थार तैयार करवानी है, जिसमें आपको कम्प्लीट मॉडिफिकेशन मिलेगी, आपको कुछ कराने की लोड नहीं है, जिसमें हम टायर भी इंस्टॉल करते हैं। सर कॉन्ग्रेचुलेशन ये आपके न्यू शोरूम, सर का न्यू शोरूम तैयार हो रहा है मेन रोड पे, जो जीटी रोड पे है, मोंगा टायर्स के साथ ही है ये बिल्कुल। तो ये थी आज की हमारी पूरी कंप्लीट वीडियो। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। आपको थार कैसी लगी, इनकी मॉडिफिकेशन कैसी लगी, ये भी आप कमेंट में बता सकते हैं। तो मिलते हैं आपको एक और ऐसी नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।